हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका और आपका स्वागत है फैमिली किचन विद दीपिका में। आज हम फैमिली किचन में बनाएंगे बूंदी के लड्डू, एंड दैट टू विदाउट बूंदी। इस रेसिपी में हमें बूंदी बनाने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये DIY बूंदी के लड्डू बनाने की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल की बेहतरीन रेसिपीज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 कप चना डाल ली है। इसे अच्छे से साफ कर लेना है और फिर इसे पानी में 2 बार धो लेना है, तो इसकी गंदगी जो है वो पूरी तरह से निकाल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बार धो दिया है, ये दूसरी बार धो लूँगी और इसे सोक करने के लिए 3 घंटों तक मैं रख दूँगी। 3 घंटों के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी अच्छे से भीगी या नहीं। ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है और ये अच्छे से टूट भी रही है, कुछ इस तरह से। फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार में डाल के इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, कुछ इस तरह से। हमें इसे बिल्कुल दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना है। फिर मैंने यहाँ पे गैस पे तेल चढ़ा दिया है, तो इसमें मैं पकौड़े तलूंगी इन द सेंस, जो हमने मिक्सर में दाल पीस ली थी उसे हम इसमें तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरे पकौड़े डाल दिए हैं। फिर तो इसे हम झारे से अच्छे से फ्लिप करते हुए, उलट पुलट करते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो मैंने यहाँ पर पूरे पकौड़े ऐसे ही तल लिए हैं और ये देखिए हमारे हो गए शुगर फ्री लड्डू तैयार। मैं मजाक करी थी फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं और अंदर तक पक गए हैं। अब हम इन पकौड़ों को कर लेते हैं ब्लेंड। हमें इसको दरदरा ब्लेंड करना है, जैसे बूंदी होती है ना कुछ इस तरह से, उसी तरह से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। मिक्सी को ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैंने पूरे जो पकौड़े थे, जो शुगर फ्री लड्डू थे, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी, उसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी। यहाँ पर मैंने 2 कप चना डाल ली थी, तो मैं यहाँ पर 2 कप चीनी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पर मीठा कम खाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी डाली है। उसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। 2 कप चीनी बनाने के लिए मैंने उसे आधा यहाँ पर पानी डाला है। आपको अगर 3 कप बनाना है तो आप 1.5 कप डालिए। फिर मैंने इसमें डाल दी है 4 इलायची। इलायची से इसकी जो खुशबू होगी वो बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने यहाँ पे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर लिया है, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। आप अगर फूड कलर खाना पसंद नहीं करते तो आप मत डालिए। तो इसे ऐसे ही मिलाते हुए हम चलाते रहेंगे। फिर इसमें मैंने डाला है 1/2 नींबू का रस। आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी चाशनी, ये चाशनी तैयार है। ये देखिए इसकी जो तार है कुछ इस तरह से बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गैस बंद कर लिया है, जो पाउडर था हमने बनाया हुआ, जो बूंदी थी उसे हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देंगे और पूरी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पूरा बूंदी को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसका कलर, टेक्स्चर, और ये कितने अच्छे से बन गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए रख दिया है, ताकि जो चाशनी बनाई थी वो इसमें पूरी तरह से सोक हो जाए। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तरबूजे के बीज डाले हैं। आपके पास अगर मगज़ नहीं है तो आप यहाँ पर मत डालिए, इसे स्किप कर दीजिए। फिर अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसके लड्डू। तो आप इसे अपनी मनपसंदी शेप के बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल गोल लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। ये जो मिक्सचर होता है वो जब ऐसे गुनगुना सा होता है ना, तभी हमें पूरे लड्डू बना लेने हैं, ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो अच्छे से बन जाएं। नहीं तो फिर वो अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो उसमें वो अच्छे से बाइंडिंग नहीं पकड़ेगा। और ये देखिए मैंने पूरे लड्डू बना लिए हैं। इसके ऊपर से मैं सिर्फ सजाने के लिए सिल्वर का वर्क लगाऊंगी। आप इसे मत लगाइए, स्किप कर दीजिए, पर बस सजाने के लिए मैंने लगा दिए हैं।